चाहूं वो मैं बन जाऊं, जो मैं चाहूं वो मैं बन जाऊं। ज्यादा लाल होना चाहिए। बिल्कुल भोलू, थोड़ा और नीला और पीला भी। हे ढोलू भोलू, तुम लोग मेरी तस्वीर बना रहे हो या किसी मस्खरे की? नहीं नहीं, वही रहो उस्ताद, आप बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े हो। वाह, क्या शूरवीर लग रहे हो आप। शूरवीर वो तो मैं ही हूँ, सब कहते हैं कि मैं। मेरे सिर पर क्या है ये? अभी काम बाकी है उस्ताद। ये क्या, तुम दोनों खुद को चित्रकार कहते हो? आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मुझे और इंदुमती को पड़ोस वाले गांव से न्योता आया है, इसलिए हमें 3 दिनों के लिए जाना होगा और मैं ढोलकपुर की जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए महाराज, मेरे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा कर, जादू जो मैं चाहूं मैं बन जाऊं। सुनो। जी महाराज। ये खजाना किस तरफ है? उस तरफ है महाराज। सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। ढोलकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो, पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम। क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है, उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम।
शुक्रिया भी। महाराज हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। मैं भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भीम, आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था। तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्र वर्मा बहुत बीमार है, अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्र वर्मा का इलाज कर सकती है। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। क्या सब रेस के लिए तैयार है? चुटकी, हम सब तैयार हैं, सिर्फ कालिया को छोड़ के। उस्ताद, अब आप और कितना खाएंगे? शायद उस्ताद हम सबका खाना खाने के बाद ही रेस में उतरेंगे। ठीक समझे ढोलू भोलू, जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भी तो क्या, रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन उस्ताद, उतना खाना ठूसने के बाद तो कोई ताकत नहीं, सिर्फ नींद ही आएगी। क्या कहा तुम दोनों ने? उस्ताद, रेस शुरू होने वाली है। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया, मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है मैं तैयार हूँ। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? मुझे रेस नहीं करनी, सोना। देखा बोलो, अभी तो रेस खत्म भी नहीं हुई है और हमारे उस्ताद बीच में ही सो गए। वो देखिए उस्ताद, भीम रेस जीत गया और राजू दूसरा आया है और जग्गू तीसरा। लो उस्ताद, अब तो हार गए। तुम दोनों को मजा आ रहा है? अभी बताता हूँ।